हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में जाना था। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बाद अब हम आगे उसी में बढ़ने वाले हैं। उसके पार्ट्स में सबसे पहले हमने देखा था स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, तो हम देखेंगे इस समय स्टार्ट करेंगे स्पॉट वेल्डिंग से। स्पॉट वेल्डिंग के पास चलें, उससे पहले कुछ चीज़ें रिविज़न कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सबसे पहले आपने देखा था रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसमें पढ़ा था ये एक प्रेशर वेल्डिंग है, तो स्पॉट वेल्डिंग भी कैसी होगी? प्रेशर वेल्डिंग होगी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपने देखा था कि हम इसके अंदर प्रेशर भी दे रहे थे और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे काम कर रहे थे, तो सेम प्रोसेस स्पॉट वेल्डिंग में भी यही होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉट वेल्डिंग से। स्पॉट वेल्डिंग याद रखिएगा, जब भी हम बात कर रहे हैं आगे जो भी वेल्डिंग्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें खास नाम का खास ध्यान रखिएगा। स्पॉट का मतलब क्या होता है? बिंदु या कोई एक पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेल्डिंग करी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? स्पॉट वेल्डिंग। समझ लेते हैं इसी चीज को। इट इज ए प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इट इज ए प्रोसेस टू जॉइंट, जोड़ने का किसको? टू मेटल शीट्स, टू मेटल शीट्स, दो मेटल शीट्स को जॉइंट करने का प्रोसेस है। कहां पे? एट ए डिफरेंट स्पॉट्स, अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक मेटल सीट मैंने ये ले ली, इसके ऊपर हम यहां से दूसरी मेटल सीट को ओवरलैपिंग करने वाले हैं, तो एक स्पॉट हमने यहां पे जोड़ दिया, अगला स्पॉट यहां जोड़ दिया, तो ये मेटल सीट आपस में चपक जाएगी। इसी के साथ मान लीजिए तीसरी हमको एक और जोड़नी हो तो उसको भी जोड़ने के लिए एक हमने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, तब ये तीनों मेटल शीट आपस में जॉइंट हो जाएंगी। तो दो डिफरेंट मेटल शीट्स को या सेम मटेरियल की भी हो तो इनको जोड़ने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे वेल्डिंग करी जाए तो ये वेल्डिंग क्या कहलाती है? स्पॉट वेल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पॉट वेल्डिंग कहलाती है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि स्पॉट वेल्डिंग किसी एक पॉइंट पे काम कर रही है। अगर पॉइंट पे काम कर रही है तो यहां पे एक वर्ड आया मेटल सीट, तो जरूरी सी बात है इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर किसके लिए? जॉइनिंग ऑफ मेटल शीट्स। मेटल शीट्स को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा है तो अगला पॉइंट यहीं से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? हमने यूजुअली इसको मेटल शीट्स के लिए जोड़ रहे हैं, हम जोड़ कहां रहे हैं? किसी एक डिफरेंट पॉइंट पे जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए था रेजिस्टेंस वेल्डिंग से? याद करिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर। इट ऑपरेट्स ये काम करता है कहां पे? बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट एंड विथ प्रेशर, टेम्परेचर भले ही मेल्टिंग पॉइंट से कम हो लेकिन प्रेशर वहां पे अप्लाई करना जरूरी है। बिना प्रेशर के ये वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। तीन पॉइंट्स हो गए, चौथा देख लेते हैं, आगे समझिएगा।
मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, डिफरेंट मेटल शीट के लिए यूज हो रहा है ये समझ में आ गया, जॉइनिंग मेटल शीट्स के लिए यूज होता है ये समझ में आ गया कि एक बिलो मेल्टिंग पॉइंट है और प्रेशर हमको देना ही देना है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब इसी के आगे से रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या कहा गया था, हाई करंट लो वोल्टेज, तो वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट एंड वेरी हाई करंट, आगे लिख लीजिएगा वेरी हाई करंट 2000 एम्पियर, ये 2000 एम्पियर या उससे भी ज्यादा हो सकती है, 2000 एम्पियर टू 5000 एम्पियर, बट लो वोल्टेज ब्रैकेट में 2 वोल्ट, केवल 2 वोल्ट तक हम इसको वोल्टेज गिरा देते हैं। तो कह सकते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके, जो हमारी सप्लाई होती है उससे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर लगा दें, वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा कम करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज करके हम इस वेल्डिंग को प्रोसेस दे सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, 2000 एम्पियर से 5000 एम्पियर है, 2 वोल्ट है, तो अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते समय अगर ऐसा है लो वोल्टेज 2 वोल्ट, इसके आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसी में स्पॉट वेल्डिंग के अंदर हम स्पॉट्स की बात कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम इसको जोड़ने वाले थे, जब दो डिफरेंट मेटल को किसी एक स्पॉट से अगर पकड़ लिया जाए क्या इसमें मजबूती रहेगी, हमने इधर से दबा दिया टूट गया, इधर से फैला दिया ये फैल गया, बीच में गैपिंग आ जाएगी, हमने इनको आपस में जोड़ दिया थोड़ा सा घूमा हुआ तो इसमें बीच में गैपिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अगर हमने इसको फिक्स भी कर दिया तो बीच में हिलना डुलना गैपिंग रहेगी, अगर ये गैपिंग रहेगी तो हम कह सकते हैं ये जॉइंट एयर टाइट या वाटरप्रूफ नहीं होगा। क्या कह दिया मैंने, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं कर सकते, एयर टाइट और वाटरप्रूफ, जहां एयर टाइट का इस्तेमाल करना हो, वाटरप्रूफ का इस्तेमाल करना हो, ऐसी जगहों पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और वाटरप्रूफ जॉइंट जिन जगहों पे एयर टाइट प्रूफ का इस्तेमाल करना हो, वाटरप्रूफ टाइप का इस्तेमाल करना हो, तो वहां पे हम इस टाइप के जॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा है हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये जॉइंट कैसा बिहेवियर दे रहा है कि हमने इसको मान लीजिए किसी नट बोल से कस दिया हो, किसी रिबिट से कस दिया हो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो हम कह सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, इट सीम्स लाइक, कैसा दिखता है, लाइक रिवेट कि रिवेट से जोड़ दिया गया है, रिबिट से उसके थ्रू उसको जोड़ दिया गया है, तो ऐसा जॉइंट ये फील होता है, इट सीम्स लाइक रिवेट जॉइंट। चलिए ये भी हमने मान लिया कि रिवेट जॉइंट की तरह यूज हो रहा है, अगर रिवेट जॉइंट की तरह यूज हो रहा है, एयर टाइट वाटरप्रूफ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये केवल और केवल मेटल शीट्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम आ रहा है, बाकी और कोई काम के लिए इस टाइप की वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने कि अगर ये रिवेट जॉइंट की तरह यूज हो रहा है तो हम इसको किसी भी जगह से, मतलब केवल और केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जहां जरूरत है वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इट इज यूज्ड फॉर
कहां यूज कर सकते हैं? फॉर मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ शीट, जो सीट्स हम मतलब जिस मेटल सीट को हम ज्वाइंट करने वाले हैं उसमें केवल और केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के ये काम आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसी के आगे एक दो पॉइंट और देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे ये इस्तेमाल कैसे हो गया, सीम्स लाइक रिवेट ज्वाइंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं अगर हम केवल रिवेट की तरह किसी चीज को ज्वाइन करना चाहें या मैकेनिकल स्ट्रेंथ के तौर पे देना चाहें तो क्या बहुत मोटी सीट को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे हम पतली सीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज यूज फॉर, कहां पे यूज कर सकते हैं? थिन मेटल शीट अप टू कितनी मोटी हो, केवल 1.25 mm तक के यूज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर थिन मेटल शीट अप टू 1.25 mm। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। अभी तो केवल पढ़ा पढ़ा है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें। मान लेते हैं मेरे पास दो मेटल सीट है, एक दूसरा दो मेटल सीट्स हो गई। अब मान लीजिए हमको इस बीच के बिंदु पे हमें इसे जोड़ना है, बीच के बिंदु पे हमें जोड़ना है तो हम इसको क्या करें, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपने देखा था हम मेटल पीस को क्या बना देते थे, इलेक्ट्रोड। तो इसको भी इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा कि नहीं? बना देते हैं। चलिए हमने मान लिया हमने इधर साइड पे एक इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिया है, और इधर साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दिया है। दो इलेक्ट्रोड सप्लाई हो गए, कहीं ना कहीं सप्लाई से आ रहे होंगे, हमने मान लिया ये कहीं ना कहीं सप्लाई से आ रहे हैं। इसको आप ट्रांसफार्मर मान लीजिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जो कैसा होगा, स्टेप डाउन होगा। अभी आपने देख लिया जितनी भी हमारी सप्लाई होती है उससे 2 वोल्ट तक ले जाना है तो कैसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, स्टेप अप की स्टेप डाउन। 2 वोल्ट तक लाना है तो हमें वोल्टेज को घटाना होगा, हम कैसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डाउन का। ध्यान दीजिएगा आगे, अब ये इसके साथ मिलकर के एक पूरा इलेक्ट्रोड बना रहा है, ये इसके साथ मिलकर एक पूरा इलेक्ट्रोड बना रहा है। अब जैसे ही हम इस मेटल सीट को आसपास लाएंगे तो चिंगारी या स्पार्किंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल स्पार्किंग होगी। हमने कह दिया इस जगह पे इनके बीच में, मतलब ये जो बीच में गैपिंग है इनके बीच में क्या होगी, स्पार्किंग होगी। जब स्पार्किंग होगी, कहीं पे भी स्पार्किंग होती है, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो जानते हो, जहां लूज कनेक्शन होता है, जहां लूज कनेक्शन होता है वहीं पे स्पार्किंग के कारण मेटल सीट या तार हमारे पिघल जाते हैं। वो मेटल या तो पिघल जाता है या तो वो गर्म हो जाता है। वैसे ही ये क्या होगा, इधर का इतना हिस्सा, ये पोर्शन, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, यहां से ये पोर्शन, इतना हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा। समझ लीजिए कि ये ऐसा कुछ है, अभी केवल गर्म हुआ है, अभी पूरी वेल्डिंग नहीं हो रही है, अभी गर्म हुआ है। अब ये गर्म हो चुका है,
लेकिन जैसे ही गर्म हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ठीक पिघला नहीं है लेकिन हमने उसको एकदम गर्म कर दिया है अच्छे से, पिघलने से ठीक पहले तक, बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हमने दोनों को आपस में बिल्कुल चिपका दिया, दोनों को जैसे ही चिपका देंगे तो यहाँ पे ऊपर से इस पे इधर से स्पॉट डालेंगे, इस पे इधर से प्रेशर डालेंगे, एक प्रेशर ऊपर से एक प्रेशर नीचे से डालेंगे, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, एक स्पॉट का फॉर्मेशन करेगा और बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, बिल्कुल से इतने हिस्से पे जॉइंट हो जाएगा, बीच के हिस्से पे ये जॉइंट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉट वेल्डिंग। अब सीधी सी बात है, इसी वेल्डिंग्स में, इसी स्पॉट वेल्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक बिंदु से हमने जोड़ रखा है तो अगल बगल से हवा निकलने का, पानी निकलने का चांस ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो पानी हवा निकलने के कारण हम कह सकते हैं कि ये एयर टाइट नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है। साथ ही साथ हमने कह दिया कि मेटल सीट, डिफरेंट मेटल सीट होने के कारण बीच से किस केवल एक पॉइंट पे जुड़ा होने के कारण ये कैसा दिख रहा है, एक रिवेट जॉइंट की तरह दिख रहा है। अगला हम क्या कह सकते हैं, ये केवल और केवल किस काम के लिए यूज हो रहा है, केवल और केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पता चली, ट्रांसफॉर्मर से, कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं जिसका N बाई टंस रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि लगभग समझ लीजिए 400 बटे 100 ऐसा डिफरेंस का वोल्टेज होता है, ये इतने का चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही वोल्टेज का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, और वोल्टेज लेवल बहुत डाउन होने से करंट बहुत हाई हो जाती है, और हाई करंट फ्लो होने के कारण ये जल्दी गर्म होता है, हीटिंग आती है, हीटिंग भी आपने देख रखा था, H बराबर I स्क्वायर RT, रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा मेटल सीट्स होने के कारण, I जितना ज्यादा बढ़ाएंगे स्क्वायर टाइम्स, उसके स्क्वायर टाइम्स हीटिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए H बराबर I स्क्वायर RT के प्रोसेस से, मतलब उतनी ज्यादा हीटिंग का जहां जहां इस्तेमाल करना है, जितने समय के लिए देना है हमने उसको दे दिया और वहां पे इस्तेमाल कर लिया। अगर इतना चीजें क्लियर हो स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, तो नेक्स्ट वेल्डिंग हम पढ़ेंगे सीम्स वेल्डिंग। नेक्स्ट वेल्डिंग हम पढ़ेंगे सीम्स वेल्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में। सीम वेल्डिंग जैसे स्पॉट वेल्डिंग आपने देखा, सेम प्रोसेस होता है सीम वेल्डिंग में भी, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एक में हम केवल एक बिंदु पर केवल हम वेल्डिंग करते हैं, लेकिन सीम वेल्डिंग के अंदर हम इसको कॉन्टिन्यूअस कई जगहों पे वेल्डिंग करते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहीं से हमने क्या कहा था, नाम से देखिएगा तो नाम से समझिएगा, सीम का मतलब क्या होता है, सिलाई करना। सिलाई मतलब जब आप किसी चीज को सिलते हैं, कपड़े को सिलते हैं, तो सुई को जब डालते हैं तो लगातार कई जगहों से डालते हैं, ऐसा नहीं कि इधर सिला फिर छोड़ दिया फिर आगे सिला फिर छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करते ना। कपड़े की सिलाई करते हैं तो हर जगह बराबर से करते हैं, मतलब लगातार, मतलब इस पॉइंट से छोड़े हैं तो यहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सिलना, तो इसे कहते हैं सीम। तो इस प्रोसेस को देखिएगा थोड़ा सा, कि हमने कह दिया एक मेटल सीट मेरे पास ये है, दूसरी मेटल सीट मेरे पास इसी के जैसी है, दो मेटल सीट्स हो गई मेरे पास। अब इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है, मान लीजिए इन दोनों को अगर आपस में हमें जोड़ना है तो हमको, अब अगर एक जगह पे हम करेंगे, एक जगह पे स्पॉट डालेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस ना हो करके, मतलब ये एक सिलाई तो बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो पॉइंट इलेक्ट्रोड नहीं होता, जैसे उसमें पॉइंट इलेक्ट्रोड बनाया था, तो इसका जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो कैसा बनेगा, एक रोलर की तरह बनेगा, कैसा बनेगा, एक रोलर के तरीके से। इधर भी हमने क्या कर दिया, एक रोलर के तरीके से बना दिया।
अब जैसे जैसे ये रोलर आपस में इसको घुमाता जाएगा, ये दो मेटल सीट्स हैं, ये रोलर के बीच से जैसे जैसे गुजरती जाएंगी, ये बीच में पूरा दबता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, मतलब सिलाई करने के लिए एक बराबर से इसके ऊपर से चलता चला जाएगा ये। अगर ऐसा हो रहा है तो रोलर हमारा किस तरह से बिहेवियर देगा? एक इधर घुमा रहा है, एक ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों ये इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? ऐसे जाएगी। अगर इधर जा रही है तो अब पहले हिस्से पे जिस जिस जगह पे जिस जगह पे जिस सरफेस पे ये आपस में टच कर रहे हैं, जिस सरफेस पे आपस टच कर रहे हैं उसी जगह पे ये क्या कर देंगे? एक स्पॉट बना देंगे। जैसे यहां बन गया पहला स्पॉट, इसी तरह से इसके पहले आया होगा तो यहां पे रहा होगा, यहां रहा होगा। इस तरह से कई सारे स्पॉट्स बनते चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? एक सिलाई की तरीके से काम करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम सिलाई करते हैं किसी चीज की तो वो पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं, मतलब उसके बीच में गैपिंग ना रहने पाए। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसके बीच में गैपिंग नहीं है, ये तो हमने दूर दूर बना के आपको समझाने के लिए बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल आपस में कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कई जगह से आपस में ये पूरा जुड़ गए हैं तो इसका मतलब ये कैसा बिहेवियर देंगे? अब ये कैसा बिहेवियर देंगे? एक एयर टाइट मटेरियल का बिहेवियर देंगे, एक वाटर प्रूफ मटेरियल का बिहेवियर देंगे। इतना अगर क्लियर हो तो अब इसी के आगे बढ़ेंगे डिफिनेशन के ऊपर। पहला हिस्सा हमने क्या देखा था उसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग में, ये मेटल सीट्स के लिए यूज हो रहा था, एक स्पॉट पे वेल्डिंग की जा रही थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब स्पॉट वेल्डिंग तो है लेकिन ये कैसी हो रही है? कॉन्टिन्यूअस हो रही है। एक कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, एक कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, एक ये जो वेल्डिंग कर रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग जो है लगातार कॉन्टिन्यूअस हो रही है, तो ऐसी वेल्डिंग, अ कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड एज, क्या कहलाती है? सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग कहलाती है। अब इतने के बाद इसी में ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोड्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या काम कर रहे हैं? ये रोलर का काम कर रहे हैं, ये जैसे इसके साथ जुड़ा है वैसे ही इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रोड है तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो मेटल सीट भी आपस में कैसा बिहेवियर देंगी? एक इलेक्ट्रोड का बिहेवियर देंगी। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? रोलर इलेक्ट्रोड्स आर रोलर। एक पॉइंट आपको पता चला, दूसरा पॉइंट पता चला, एक कॉन्टिन्यूअस स्पॉट की तरह वेल्डिंग हो रही है और एक क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोड कैसा बिहेवियर दे रहे हैं? रोलर की तरीके से। अब सेम प्रोसेस जैसे वहां समझे थे वैसे ही यहां समझिएगा, दो मेटल सीट्स है आपस में गर्म हो रही है, ये जब इसके बीच में गैपिंग है, जिस जगह लूज कनेक्शन पाएगा वहीं गर्म होगा कि नहीं होगा? इनके इस सरफेस पे, मतलब इधर के हिस्से पे ना गर्म होकर के बीच के हिस्से पे क्या हो रहा है? गर्म होगा। ऐसे समझ लीजिए कि ये बीच के हिस्से पे ये क्या हो रहा है? गर्म होगा, हीटिंग। इस जगह पे हीटिंग हो रही है तो इतनी जगह पे ये हिस्सा बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने ही वाला होगा। बिलो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं, मैं पिघलने नहीं देते। बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे भी हम इसको क्या करेंगे? रोलर से प्रेशराइज करेंगे, आपस में दबा देंगे। जैसे ये दब जाएगा, जितनी जगह पे रोलर कांटेक्ट करेंगे, जितनी जगह पे ये प्रेशर डालेंगे तेजी तेजी से, उतनी जगह पे ये एक स्पॉट्स बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतने में भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन क्या करती है? उसके अंदर जो सुई होती है, पहले आप चलाते हैं तो एक बार ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है और साथ में कपड़े को आगे खींचती भी जाती है। वो वैसे ही रोलर का काम इसको आगे बढ़ाना भी है, साथ में प्रेशर करके इसको जोड़ना भी है। दोनों काम एक साथ इसमें काम कर रहे हैं।
तो दो चीजें पता चल गई कि इसमें कि ये कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोड्स किस तरह काम कर रहे हैं, रोलर की तरह काम कर रहे हैं। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, दो मेटल शीट्स हैं तो इसको भी किसके लिए यूज कर लिए, यूज्ड फॉर मेटल सीट्स जोड़ने के लिए हमने इसको भी इस्तेमाल कर लिया। अगर मेटल सीट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो यहीं से, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, तो वहां पे एयर वगैरह लूज हो रही थी, मतलब एयर टाइट नहीं था, वाटरप्रूफ नहीं था, तो अब ये पूरी तरह से फिक्स कर देगा कि नहीं कर देगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कह दिए कि ये क्या कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर किसके लिए, एयर टाइट और वाटरप्रूफ जॉइंट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुआ, एयर टाइट जॉइंट हो या वाटरप्रूफ जॉइंट, जहां इस्तेमाल करना हो हर जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं, अगर हम टंकी की बात करें, टैंक, चाहे वो गैस का टैंक हो, गैस सिलेंडर हो, या फिर टैंक पानी का टंकी हो, ऐसे किसी भी चीज जहां पे टैंक जैसा कोई मटेरियल बने, ट्रांसफार्मर टैंक हो गया, कार का टैंक हो गया, एरोप्लेन का टैंक हो गया, कहीं पे भी टैंक का यूज आ रहा है, तो वो कहां पे मतलब एयर टाइट जहां पे करना हो, वाटरप्रूफ जहां पे करना हो, तो इस वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहां से क्लियर हो तो यहीं से आगे बढ़िएगा, यूज्ड फॉर कहां के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए, गैसोलिन टैंक, गैस के सिलेंडर, कार टैंक, कार में भी टैंक लगाए जाते हैं, उन टैंकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर वैसे ही कार का टैंक कह दिए तो स्कूटर का टैंक आ जाएगा, बाकी जितने भी व्हीकल टैंक हो गए वो भी आ जाएंगे, फ्रिज में कंप्रेसर वगैरह यूज होता है तो वहां पे भी टैंक वगैरह लगता है, तो फ्रिज टैंक, पाइपलाइन, पानी की बात कर दी है तो पाइपलाइन की बात हो गई, जहां पाइपलाइन का यूज हो रहा हो, पानी की जैसा और क्या लिक्विड मेटल हो सकता है, ऑयल वगैरह हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर टैंक्स के लिए यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ऑयल टैंक कंटेनर एटसेट्रा, जितना भी आपको याद आ जाए टैंक पे, यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है कि नहीं, रोलर लगातार लगा रहेगा तो करंट भी लगातार फ्लो करेगी कि नहीं, तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट लगातार बहेगी तो ये क्या करेगी, मेटल को गर्म कर देगी, जला देगी। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कॉजेस बर्निंग, किसकी बर्न कर रही है, किसको बर्न कर रही है, मेटल, एंड गर्म करके करना क्या है, इसको चपकाना है, तो हम कह सकते हैं रैपिंग। कॉजेस बर्निंग ऑफ मेटल एंड रैपिंग ऑफ मेटल, या एक साथ कर लीजिएगा, कॉजेस बर्निंग एंड रैपिंग ऑफ मेटल, एक साथ हो गया, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कॉजेस बर्निंग एंड रैपिंग ऑफ मेटल, इतना भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसी को यहीं से समझिएगा, सेम प्रोसेस, वहां पे भी वही सब काम हो रहा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जितनी करंट वहां थी वो भी यहाँ पे रहेगी, जितना वोल्टेज वहां पे था वो भी यहाँ रहेगा, प्रेशर वेल्डिंग प्रेशर की तरह इस्तेमाल हो रही, प्रेशर वेल्डिंग की तरह ये भी इस्तेमाल होगी, इसमें भी नॉन
सॉरी बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे काम कर रहे थे, ये भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे काम करेगा। वहां पे भी हमने क्या किया था, मेटल शीट्स को जोड़ रहे थे, यहां पे भी मेटल शीट्स को जोड़ रहे हैं। बस अब लास्ट पॉइंट क्या हो गया, वहां पे जो प्रेशर दिया जा रहा था वो एट ए पॉइंट दिया जा रहा था, किसी बिंदु पर। अब यहां जो प्रेशर देंगे वो कौन काम कर रहा है, रोलर काम कर रहा है। और यहां पे शायद लिखा भी है इलेक्ट्रोड, रोलर का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, रोलर। वैसे ही प्रेशर देने का काम भी कौन करेगा, रोलर करेगा। प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर किससे दिया जा रहा है, अप्लाइड थ्रू THROUGH थ्रू रोलर। प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू रोलर, क्या पता चल गया कि प्रेशर भी किसके थ्रू दिया जा रहा है, एक रोलर के थ्रू दिया जा रहा है। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो आपका यहीं से सीम वेल्डिंग भी खत्म हो जाता है। आगे पढ़ेंगे परक्यूशन वेल्डिंग, उसको पढ़ें, उससे पहले कुछ चीजें जान लें। लाइफ में अचीवमेंट केवल वो नहीं जो आप अकेले अपने लिए सोचते हो, अचीवमेंट या सक्सेस आपको तब पता चलती है जब आप किसी से उसकी तुलना करके देखते हैं। मतलब क्या है, बहुत लोग हमेशा निराश रहते हैं, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आप जब बिलो लेवल से अपने से बिलो से कंपेयर करेंगे तो आप खुद को ऊपर पाएंगे। जब आप अपने आप से ऊपर से कंपेयर करेंगे, अपने ऊंचे लोगों से कंपेयर करेंगे तो अपने आप को कम पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देखना पसंद करते हैं। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, इसलिए जिन चीजों में खुशी आपकी है, आपके साथ वालों की है, उन चीजों को करने से जो अचीवमेंट आपको मिल रही है वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अपना विवेक इस्तेमाल करिए अपने डिसीजंस लेने के लिए, सुनिए सबकी, करिए मन की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।